यूएफसी 288 7 मई को यानी अगले महीने आने वाली थी, और उसमें जो सबसे एक्साइटिंग को-मेन इवेंट फाइट के रूप में फिक्स की गई थी वो थी बनील डारियुश और चार्ल्स ओलिवेरा के बीच में फाइट। और इस फाइट को जो जीतता उसे नेक्स्ट चांस मिलता इस्लाम मखाचेव के खिलाफ, लेकिन सैडली ये फाइट अब पोस्टपोन हो गई है, यानी कि अब ये फाइट आगे कब होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी कि ये जो लाइट वेट का डिवीजन है जिसके अंदर इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है, और जो बनील डारियुश इतने टाइम से वेट कर रहे हैं कि इस्लाम मकाचेव के खिलाफ उन्हें मौका मिले और वो अपने आप को प्रूव करें कि वो डिजर्विंग है, लेकिन एक के बाद एक हमें बैड न्यूज मिल रही है। बैड न्यूज क्या है? चार्ल्स ओलिवेरा इंजर्ड हो गए हैं। अब क्या होगा इस सिचुएशन में, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यूएफसी हॉटबॉक्स हिंदी को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे इसलिए वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन भी दबा दें। अब वीडियोस नहीं आ रही थी, मैं बीमार हो गया था तो आप लोगों के लिए वीडियोस का सिलसिला टूट गया था, इसलिए नोटिफिकेशन यूट्यूब अब आपके पास कम भेजता होगा, लेकिन अब दोबारा से वीडियोस आने लगी हैं और सारी बातें अब हम डिस्कस करने लगे हैं। तो जल्दी से आप लोग बेल आइकन को दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस यूट्यूब आप तक भेजे ही भेजे। तो चलिए बात करते हैं कि हुआ क्या है आखिर। देखिए, फाइट से 1 महीना पहले एक अनडिस्क्लोज्ड इंजरी हो गई है चार्ल्स ओलिवेरा को, यानी कि ट्रेनिंग करते वक्त कोई इंजरी हो गई है जिसकी वजह से चार्ल्स ओलिवेरा ने पुल आउट कर लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं फाइट नहीं कर सकता अगले महीने बनील डारियुश के साथ। तो अब बनील डारियुश जो है एक वियर्ड सिचुएशन में फंस चुके हैं, यानी कि बनील डारियुश और इस्लाम मखाचेव की फाइट पहले होनी थी लेकिन खुद बनील डारियुश को इंजरी हो गई, उन्होंने पुल आउट कर लिया। उसके बाद उन्हें वेट करना पड़ा क्योंकि इस्लाम मखाचेव को टाइटल शॉट मिल गया। अब देखो, बनील के इंजर्ड होते ही इस्लाम मखाचेव ने बनील डारियुश का वेट तो नहीं किया ना, उन्हें चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ डायरेक्ट टाइटल शॉट मिल गया। तो ऐसे में यूएफसी कह रही है कि ये फाइट दोबारा से बुक होगी, लेकिन मेरा जो दिमाग कह रहा है और जो मेरी फाइटिंग सेंस कह रही है वो ये कह रही है कि इसे दोबारा से बुक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा बनील डारियुश को टाइटल शॉट दे देना चाहिए इस्लाम मखाचेव के खिलाफ। सीधी सिंपल सी बात है ना। यूएफसी फाइट वीक में जहां पर लियोन एडवर्ड और कोबी कोविंगटन की फाइट होनी है, अगर उस कार्ड के अंदर अगर हम इस्लाम मखाचेव और बनील डारियुस की फाइट भी कर दें तो दो टाइटल फाइट हो जाएंगी और एक बहुत बड़ा कार्ड हो जाएगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि यूएफसी हमारी तरह सोचती है या नहीं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मैं आप लोगों के साथ यूएफसी की न्यूज डिस्कस करता हूं, यूएफसी के बारे में हमारी आपस में बातें रहती हैं, तो हमारी एक सोच हो गई है कि कैसे क्या होना चाहिए। तो मेरी जो सोच है वो यही कहती है अभी इस टाइम पर कि बनील डारियुश को दोबारा से अब चार्ल्स ओलिवेरा के लिए वेट नहीं करना चाहिए, सीधा उन्हें हल्ला मचा देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो खुद नॉइज नहीं करेंगे तो दूसरे बंदे कैसे नॉइज करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम सब के लिए अब बेटर ये रहेगा कि चार्ल्स ओलिवेरा के चैप्टर को यहां पर अभी क्लोज करें फिलहाल के लिए और बनील डारियोश को सीधा टाइटल शॉट दे दिया जाए। जब चार्ल्स ओलिवेरा रिटर्न करे तब तो वो किसी के साथ एक फाइट ले सकते हैं, या फिर वो जो विनर होगा बनील डारियोश और इस्लाम मखाचेव का उसके साथ फाइट कर सकते हैं। तो यहां पर इंजर्ड हो चुके हैं चार्ल्स ओलिवेरा, और जो ये एक बहुत ही खतरनाक बहुत ही इंट्रीगिंग यानी कि फैंस के बीच में इस फाइट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था जैसे ये नजदीक आ रही थी, तो इसके बारे में अब बातें होने भी स्टार्ट होती। तो अब यूएफसी 288 को यहां से झटका मिला है काफी ज्यादा, क्योंकि इस को मेन इवेंट की वजह से जो यूएफसी 288 था वो अच्छा कार्ड बन गया था, क्योंकि मेन इवेंट इसमें एल्जामिन स्टर्लिंग और ट्रिपल सी यानी कि हेनरी सहूडो की है, लेकिन को मेन इवेंट इसके अंदर थी चार्ल्स ओलिवेरा और बनील डारियुश की। लेकिन बनील डारियुश और चार्ल्स ओलिवेरा की ये फाइट नहीं होगी, चार्ल्स ओलिवेरा ने पुल आउट कर लिया है। अब एक वीडियो बनाकर मैं आप लोगों से ये भी डिस्कस करूंगा कि क्या बनील डारियुश को वेट ना करके डायरेक्ट टाइटल शॉट नहीं ले लेना चाहिए, और यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और ये जरूर बताना एक अच्छी फाइट मिस हो गई या नहीं हो गई, कमेंट कीजिएगा।